हेलो गाइस, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जब भी आप अपने वॉलपेपर को सेट करना चाह रहे हैं आपकी होम स्क्रीन में तो वो वॉलपेपर अपीयर नहीं हो रहा है, तो इस इश्यू को कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ, तो फाइनली मुझको इसका सोल्यूशन मिल गया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ ये आप इश्यू क्यों फेस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टोरेज प्रॉब्लम है तो आप इस इश्यू को फेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो भी अनयूज एप्लीकेशन है सबसे पहले आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद या फिर अगर आपको अनइंस्टॉल करना नहीं है, अगर आपके पास एसडी कार्ड में स्पेस है तो सारे एप्लीकेशंस को जो इंटरनल स्टोरेज में है सारे एप्लीकेशंस को आप उसको एक्सटर्नल स्टोरेज में जो है मूव कीजिए। बहुत सिंपल स्टेप है इसको मूव करने का। सेटिंग में आइए, ऐप्स में आइए या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में आइए। तो जस्ट जो भी एप्लीकेशन को मूव करना है जस्ट उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऑलरेडी इंटरनल स्टोरेज में, अगर आपको इसको एक्सटर्नल स्टोरेज में करना है तो मूव टू एसडी कार्ड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बैक बटन प्रेस कीजिए। इसी तरह सारे एप्लीकेशन जो भी है वो सारे एसडी कार्ड में मूव कीजिए या फिर अगर अननेसेसरी है तो उसको अनइंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद आप अपने फ़ोन को एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए, 100% आपका जो इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। इनकेस अगर आप फिर भी सेम इशू फेस कर रहे हैं तो फिर से फ़ोन सेटिंग्स में आइए, ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजर में आइए और यहाँ पे आप कुछ फ़ोन में टॉप राइट साइड 3 डॉट्स देख सकते हैं या फिर कुछ फ़ोन में होम साइड का जो लेफ्ट बटन रहता है नेविगेशन बटन, तो जस्ट उसको प्रेस कीजिए। रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिए, रीसेट ऐप्स पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा सारे एप्लीकेशन के जो कैचेस थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज जो है वो फ्री होना चाहिए। तो उसके बाद स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन एप्लीकेशन जो है वो फाइंड आउट कीजिए। नीचे स्क्रॉल कीजिए तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग स्टोरेज, तो जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर कैचेस और क्लियर डाटा, दोनों पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। तो जस्ट बैक बटन प्रेस कीजिए और सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे भी आपको सेम थिंग करना है, क्लियर कैचेस और क्लियर डाटा दोनों पे क्लिक कीजिए। एक मरतबा अपना फ़ोन जो है रिस्टार्ट कीजिए और फिर से वॉलपेपर जो है सेट कीजिए। 100% आपका इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में